जी तो बेटा, कैसे हैं आप? 2024 में एक सवाल किया जाए गया कि पाइन ऑयल का क्या किरदार है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में। देखिए बच्चों, फ्रोथ को झाग कहते हैं, फ्लोटेशन का मतलब झाग ऊपर फ्लोट करेगी, जैसे आप पानी में सर्फ डाल दें और ऊपर सब झाग आ जाती है, कुछ ऐसा ही। अब सवाल यह है कि जो ऑयल है फ्रोथ फ्लोटेशन में, इसका क्या किरदार है, स्पेशली पाइन ऑयल, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? देखिए प्यारे बच्चों, जो ओर पार्टिकल्स होते हैं, जिसरा आपके पास ये ओर है, इसके अंदर डेफिनेटली आपने ओर लिया है और वो प्रेफरेंशियली जो है वो वेटेड बाय द ऑयल, तो जो ओर है वो ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है, एंड द गिंग पार्टिकल्स बाय द वाटर, और जो गिंग पार्टिकल्स है वो पानी के साथ मिक्स होकर नीचे बैठ जाते हैं। हैंस ओर पार्टिकल्स आर बीइंग लाइटर कम टू द सर्फेस, वो बबल्स बनकर ऑयल पार्टिकल्स फ्रोथ बन जाते हैं और वो ऊपर आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रोथ। फ्रोथ मीन झाग, एंड दैट कैन बी स्किम्ड, जैसे आप मलाई उतारते हैं दूध से, ऐसे ही आप इसकी स्किमिंग कर सकते हैं, आप इसको अलहदा कर सकते हैं, और इस करेक्टरिस्टिक की मदद से आप ऑयल डालते हैं इस प्रोसेस में, और इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। आप ये लिख सकते हैं इसका जवाब यहां से लेकर यहां तक, राइट? या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एग्जैक्ट वर्डिंग के साथ जो जवाब लिखा है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो ये एक आसान सा क्वेश्चन था जो 2024 में क्लास 10 केमिस्ट्री केमिकल इंडस्ट्रीज आखिरी चैप्टर आपकी किताब का वहां से पूछा गया, चैप्टर नंबर 16 से। चलें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अगला सवाल हल करते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS Academy।